Any ideas? Any ideas? सेंटर में जो है ना, लेकिन यह प्रेशर बहुत होते हैं, हाथ पकड़ के चलना। किधर जाना है बोला? वहाँ पे बीच में डीप तो नहीं है? डीप नहीं है, बट प्रेशर आता है। ग्रिप रखना। जैसे ही रुके ना तो तब निकले बंदा। ये क्या है? जेली फिश है, बड़ा गंदा काटती है ये। करंट टाइप होता है इसमें। ये तो मैंने पहली बार देखी, वो इतनी बड़ी।
यस ये रही जेली फिश। अगर कभी किसी ने जेली फिश नहीं देखी, इधर केकड़े भी काफ़ी सारे हैं, तो ये जेली फिश कुछ ऐसी होती है। ये काफ़ी खूबसूरत मंज़र है और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरी लाइफ का जो मेरी यानी कि बचपन में कभी मनोड़ा में देखा होगा, लेकिन जब से जो मेरी यादें हैं पुरानी, उन यादों में इतना साफ समंदर कहीं भी नहीं है। ये सबसे पहली बार मैं इतने साफ जगह पर आया हूँ जहाँ पे पानी साफ़ सुथरा है, और जगह भी अभी तक जितनी भी जगह आ गया हूँ सबसे ज़्यादा साफ जगह है। तो पानी में आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं। काफ़ी ठंडा पानी है और थक गए हम काफ़ी। हाँ पकड़ा है, ये कहाँ से पकड़ लिया आप लोग? इधर। ये कितना छोटा है और ये कितना बड़ा हो जाएगा ना। हाँ चलो शुक्रिया। कैसे जा रहा है ये सामने मछली पकड़ रहा है? इस चेक करते हैं कि ये साहब जो है मछली आखिर पकड़ेंगे कैसे। तो आज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से? क्या मछली पकड़ रहे हैं? कैसे पकड़ते हैं मछली? जब नजर आएगा फिर पकड़ेंगे, ऐसे है मछली। अच्छा ये जाल फेंक दोगे ऐसे? ये तो आपका तो शिकार आसान है। आए आए शिकार नहीं, मछली जब देखेंगे ना। हाँ फिर हम नंबर नजर में आएगा फिर ही फेंकेंगे, ऐसे नहीं है मछली। अच्छा कितनी बड़ी मछली आ जाती है? छोटा वही आ जाती है। और इसके अलावा आप लोगों को बताऊं तो ये सामने जितनी भी आपको झुग्गियाँ या हट्स नज़र आ रहे हैं, झोपड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये सारी रेंट पे मिलती हैं। हम लोगों ने ये वाली रेंट पे ली थी, मिडिल वाली, और 7000 वो बोल रहा था गंज साहब नाम था उनका, 7000 से फिर मोहब्बत के साथ बातचीत करते 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 2500 में हमने ये डन किया। और यहाँ पे सारे बैठे थे और यहाँ पे बैठने के बाद ऐसे यहाँ से सब देखते रहे, जिन्हों फैमिली वगैरह वो आगे पत्थरों पे नहीं गए, अम्मी वगैरह और मामी वगैरह, तो वो यहाँ से बैठ के देखती रही और काफ़ी अच्छा व्यू है। तो इसी तरह ये सात वाला रूम है रेंट पे लेने के लिए, इस साइड पे भी रूम है। अंदर से दिखाऊँ तो इसके अंदर से ये ऐसा है, इतना बड़ा है। और यहाँ पे आप चटाई ला के बिछाओ, खाना लेकर आओ और अच्छे से खाओ। और ये वॉशरूम भी है, देखा तो मैंने भी नहीं है अभी तक, बट साफ़ सुथरा वॉशरूम है। ये देखिए साफ़ सुथरा है और सही है। और यहाँ से फिर बाहर निकलेंगे तो बाहर की चीज़ दिखा, ये बाहर का मंजर है, बाहर पे आएंगे तो ऐसा होगा सब। और ये आ गया, इधर से व्यू देख सकते हैं। ये वाले जो हट्स हैं, इन हट्स का फेयर जो है वो कम है, 3000 बोल रहा था, तो आई थिंक 1500 तक ये भी मिल जाएगी। तो इस तरह से ये सारा हिसाब किताब है यहाँ पर। इधर से व्यू दिखाऊँ तो इधर से ऐसा नज़र आता है, ठीक है। तो ये मुबारक विला था हमारा और अच्छे से देख लिया, बस थोड़ी देर से पहुँचे थे इधर। इधर आना हो तो सुबह 6 बजे घर से निकल जाओ और 7 बजे 7:30-8 मैक्सिमम पहुँच जाना चाहिए। हम 9:30-10 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज का दिन आप लोगों का अच्छा गुजर रहा होगा। मेरा भी आज का दिन अच्छा गुजर रहा है। आज का दिन बाकी दिनों की निस्बत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज आज मैं जिस जगह आया हूँ वो सी साइट है और पीछे आप देख रहे होंगे काफ़ी
के बड़ा व्यू आ रहा है कि वाइड एंगल में ही मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई डोंट नो कैसी रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन पीछे काफ़ी बड़ा समंदर है और काफ़ी देर देखने के बाद दिल भर गया। अब देख देख के अब समझ नहीं आ रहा है इसको मज़ीद कैसे देखूँ। और हम सुबह आए थे यहाँ पर तकरीबन 9 बजे के करीब, हमें देर हो गई थी और अभी भूख से हशर नशर है, बिकॉज एक्सीडेंटली हम लोगों ने प्लान बनाया कि मुबारक विलेज चलते हैं। इस जगह का नाम मुबारक विलेज है। और फिर एक्सीडेंटली जब निकले तो बस सुबह ब्रेड्स खा के निकले थे और अभी 3 बजे तक किसी ने कुछ नहीं खाया। चिप्स विप्स थे वो, बाकी बच्चों ने तो खाए हैं, लेकिन हम लोगों को पानी नसीब हुआ, ऐसे पानी लेकर चले थे। तो इसलिए एक तो थकन से बोला भी नहीं जा रहा सही मायनों में, दूसरा ये समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात करूं। लेकिन मैं वीडियो बनाना चाहता हूं क्योंकि रोज़ रोज़ तो ऐसी जगहों पर आया नहीं जाता। बचपन में मैं कभी मनोड़ा गया था और मनोड़ा पे एक हल्की हल्की याद है मेरे माइंड में। उसके बाद सी व्यू तो अक्सर जाना होता है, लेकिन सी व्यू जाकर मज़ा नहीं आता, वहाँ का पानी साफ़ नहीं होता, वहाँ पर रश ज़्यादा होता है, काला काला सा पानी होता है और मज़ा नहीं आता। लेकिन यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ और आपको अगर दिखाऊँ तो हम उस साइड पर गए थे जहाँ पे पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर बहुत साफ पानी है। इस वीडियो के अंदर आपको शायद वो वीडियोस इंक्लूड भी कर लूँ जो कि पानी के अंदर नहा रहे थे हम लोग। और फिर उसके बाद इधर आकर बातें की, इधर जेली फिश हम लोगों को एक मिली, उसको कैप्चर किया और केकड़े देखे छोटे छोटे से और काफ़ी देर देखते रहे, मज़े लेते रहे। और फाइनली अभी जाने का वक्त है तो मैंने सोचा जाने से पहले कुछ बात करते हैं। तो अब सवाल ही पैदा होता है मैं बात क्या करूँ, तो बात यही करता हूँ कि मुल्तान से निकले थे हम 4 तारीख को, और 4 तारीख को निकलने के बाद बाय रोड ड्राइव करता हुआ मैं और मेरा भाई और फैमिली जो है हम लोग पहले रुके खानपुर में, नाना जान रहते हैं, वहाँ पर एक रात रुके। वहाँ पर रुकने के बाद फिर हम सईदाबाद एक जगह आती है हैदराबाद से थोड़ा पहले, वहाँ पर रिलेटिव्स रहते हैं, वहाँ रुके। वहाँ से रुकने के बाद सीधा हम कराची आ गए। कराची में कुछ जो मामला थे वो देखे और उसके बाद शादियाँ थी एक दो वो अटेंड की, और उसके बाद आज का दिन निकला था और कल हम वापस चले जाएंगे मुल्तान। तो ये सारी जर्नी थी। इस जर्नी के बीच में जो लर्निंग थी मेरी, वो सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट किया वो ये किया कि सईदाबाद में हमारे एक इखलाक मामू होते हैं, उनका नाम जैसे कि इखलाक है वैसे ही उनका एटीट्यूड भी है या इखलाक भी है। उन्होंने काफ़ी अच्छा यानी कि खिदमत कैसे की जाती है, वैसे पता तो मुझे था ही और जानते भी थे, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ की इंतहा होती है, तो वो इंतहा जो इस बार हुई इखलाक मामू की तरफ से वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, तो एक तो उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा था, उन लोगों की पूरी फैमिली का, उनके बच्चों का भी। और छोटी छोटी बातें अब बताऊँगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, लेकिन मेरे लिए वो काफ़ी यूनिक सी बातें थी। और बाकी मुझे अच्छी बात ये लगी कि जब हम यानी कि गाड़ी में आने लगे तो इखलाक मामू कहते नहीं मैं कुछ दूर आपको छोड़ के आता हूँ। वो फिर आए, उन्होंने पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी और मेरे इनकार करने के बहुत बावजूद उन्होंने पूरी टैंकी फुल कराई पेट्रोल से जो कि हाफ हो चुकी थी। मैंने पैसे देना चाहे लेकिन उन्होंने सिंधी में मना कर दिया पेट्रोल पंप वाले को, तो उसने फिर पैसे लिए ही नहीं हमसे। और फिर एक शॉपर हाथ में पकड़ाया जिसके अंदर काफ़ी सारे केन्स थे, कोक पेप्सी जूसेस, तो वो भरा हुआ शॉपर लेके जब हम सईदाबाद से हैदराबाद से होते हुए कराची पहुँचे तो काफ़ी अच्छी ट्रैवलिंग रही। और सारे रास्ते हम यही बात करते रहे कि अगर हालांकि पैसे ज़्यादा खर्च नहीं हुए, लेकिन फिर भी इस तरह का माइंड में आता ही नहीं कि इस तरह से भी खर्च किए जा सकते हैं कि आप फ्यूल डलवा दो, आप रास्ते की चीज़ें लेकर दे दो। लेकिन बस शायद उनका अंदाज़ भी कुछ अलग था इसलिए ज़्यादा महसूस हुआ। तो एक मेहमान नवाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लर्निंग की, और इसके अलावा बाकी इधर आया तो साफ़ पानी मैंने यूँ कह लो कि नहीं देखा था अभी तक। बचपन में कभी मनोड़ा गया था नाना जान के साथ तो वो मुझे याद है कि साफ़ पानी था, हल्का हल्का सा याद है। लेकिन अपने होशो हवास में ये पहली बार मैं इस जगह आया हूँ, तो यहाँ का पानी काफ़ी साफ़ है। आने वाले कुछ सालों में, अभी भी काफ़ी रश है आप लोग देख सकते हो, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर यहाँ भी पब्लिक अच्छी खासी पहुँच जाएगी और यहाँ का पानी भी उतना साफ़ आप लोगों को नहीं मिलेगा।
लेकिन इस वक्त पानी काफ़ी साफ है। और जब कभी भी आओ तो उन पहाड़ों की तरफ ज़रूर जाना, वहाँ पर रश कम होता है, सारी पब्लिक इधर ही रुक जाती है क्योंकि रोड इधर इधर करके आके ख़त्म होता है। उधर भी जाता है लेकिन पता नहीं कैसे जाता है, अभी जाते हुए देखेंगे। तो उस पहाड़ों की तरफ जाना है, वहाँ पानी भी ज़्यादा साफ़ है और मज़ा भी आता है, रश भी कम है। तो 5 मिनट 32 सेकेंड की वीडियो हो गई।